करेंगे हम ग्वालियर की भी। ग्वालियर में भी मानसून की जो पहली बारिश है वो बहुत तेज हुई है, 4 घंटे में 49 मिलीमीटर पानी बरसा है। जून महीने में कुल 80 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है और बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि कहीं कहीं पर परेशानी भी हो रही है लोगों को। भिंड में भी तेज बारिश हुई है और बारिश के चलते शहर तरबतर हो गया है। पिछले कई दिनों से लोगों का गर्मी से हाल बेहाल था, करीब 2 घंटे हुई बारिश के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है कि गर्मी से राहत मिली है, क्योंकि पारा भिंड की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा था गर्मियों में और करीब करीब 48 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 तक भी भिंड में पहुंच चुका था। सबसे गर्म शहर भिंड देखा गया कई बार, और ऐसे में अब जब बारिश हुई है यहाँ पर तो लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिल रही है कि अच्छी बारिश ने मौसम में गिरावट दर्ज की है और ऐसे में गर्मी से राहत मिली। तो ग्वालियर में मानसून की पहली बारिश ने नगर निगम के इंतजामों और दावों की पोल खोल कर रख दी है। शहर में ड्रेनेज सिस्टम खराब होने और बड़े नालों की सफाई न होने की वजह से बारिश का जो पानी है वो शहर में भर गया है। कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई हैं, तो वहीं निचली बस्तियों में पानी भर गया है। ये तस्वीर आप देखिए, घुटनों तक पानी आ रहा है। अब लोग जाए तो जाए कहाँ, गाड़ियां खराब हो रही हैं। और ये तस्वीर ग्वालियर की। जबलपुर में पहली बारिश में सड़क से लेकर घरों के अंदर तक पानी घुसा है और पानी पानी संस्कारधानी हो गई है। बारिश के दौरान कई कॉलोनियों में घरों के अंदर पानी घुसा है, घरों में रखा सामान पानी में भीग चुका है और आधे घंटे की बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर के कई इलाकों में ये तस्वीरें देखने को मिली और घरों में पानी भरने की भी तस्वीर आप देख सकते हैं। बस्तर में मानसून की दस्तक के साथ ही जमकर बदरा बरसे हैं। झमाझम बारिश होने से जहां मौसम खुशनुमा हुआ है तो वहीं किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं, साथ ही लोगों को उमस से राहत मिली है। बलरामपुर में भी बदरा जमकर बरसे हैं। ये दोनों ही तस्वीरें छत्तीसगढ़ की हम आपको दिखा रहे हैं, बस्तर से लेकर बलरामपुर तक बारिश ही बारिश, और ऐसे में किसानों के लिए खुशी की बात है। लंबे समय से बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से खेती बाड़ी में भी समस्याएं हो रही थी और बिजली नहीं होने की वजह से पानी भी नहीं इस्तेमाल कर पा रहे थे किसान, लेकिन अब सीधे जो ये बारिश है वो किसानों के लिए राहत की खबर। जगदलपुर में भी बारिश से निगम की पोल खुल गई है। नाली का कचरा सड़कों पर फैल गया है, सफाई व्यवस्था की पोल खुल गई है। धर्मपुरा इलाके के कई हिस्सों में पानी भरा है और हालात जस के तस बने हुए हैं। तो नाली का कचरा सड़कों पर फैला है, जगदलपुर की तस्वीर आप देख रही हैं। घरों में पानी घुस चुका है, कई जगहों पर तो ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं होने की वजह से, और ड्रेनेज सिस्टम कहीं कहीं पर होता भी है तो नाली की सफाई समय समय पर नहीं होती और इसीलिए पानी हर जगह भर जाता है और कचरा बाहर निकल कर आ जाता है जो कि घरों तक चला जाता है। इसलिए लोगों को परेशानी बहुत ज्यादा होने लगती है और हल्की सी बारिश ने कई कई जगहों पर तो निगम की पोल खोल दी। श्रीनिवास नायडू संवाददाता जगदलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे साथ हैं। सुशील, सबसे पहले तो ग्वालियर की बात करूंगी क्योंकि यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। ग्वालियर में कई जगहों पर निगम की पोल खुल गई है, बारिश शुरू ही हुई है अभी तो ये हाल है, आगे आगे मानसून जब कंटिन्यूटी में रहेगा तब क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर शहर में ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से खराब है, अधिकांश इलाकों में नालियां नहीं है, और इसके अलावा इस साल जो मानसून के पहले तैयारी करना थी नगर निगम को, वो भी तैयारी ठीक से नहीं हो पाई थी। बड़े नालों की सफाई वक्त पर नहीं हो पाई, बड़ी नालियों की सफाई नहीं हो पाई। यही वजह है कि जब मानसून की पहली आमद हुई ग्वालियर शहर में और करीब 48 मिलीमीटर पानी बरसा एक ही दिन में, तो नगर निगम के दावों की पोल खुल गई और सारा जो सीवर सिस्टम और खराब नालों की चलते जो बारिश का पानी था वो शहर में जमा हो गए, जल जमाव के हालात बन गए। चाहे चेतकपुरी हो या शिंदे की छावनी हो, नदी गेट इलाका हो या फिर सिटी सेंटर के इलाके हो, इन इलाकों में पानी घुटनों घुटनों तक सड़कों पर आ चुका था। इसके अलावा नालियों का गंदा पानी भी निचली बस्तियों में भरने लगा था, और यही वजह है कि जब थोड़ी सी बारिश हुई तो उस बारिश में इस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि नगर निगम के अधिकारी हर बरसात में यही कहते हैं कि अगली बार एक
अच्छा प्लान बनाएंगे ताकि शहर में पानी की निकासी हो पाए और बारिश के दौरान जल जमाव के हालातों से बचा जा सके। आपको ये भी बता दें कि अब जिस तरह से बारिश हुई है और जल जमाव के हालात बनने लगे हैं, तो अब आप देखिए डेंगू का भी प्रकोप शुरू होगा। कल ही डेंगू की एक पॉजिटिव मरीज निकली है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये लापरवाहियाँ लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। तो वहीं आने वाले दिनों में ये परेशानियाँ जो है अब डेंगू जैसी बीमारियों में तब्दील होगी। तो निश्चित तौर पर जो पहली बारिश हुई है उसके बाद नगर निगम के इंतजामों की पोल खुली, आने वाले दिनों में भी ऐसी ही हालत बनेगी। जब थोड़ी सी बारिश होगी तो बारिश के दौरान ही जो है जल जमाव के हालात इन शहरों में बनेंगे। बिल्कुल सुशील, वाकई में, और ऐसे में निगम की जो पोल है वो खुलकर रख गई है। श्रीनिवास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, छत्तीसगढ़ का हाल बताइए, यहाँ पर किस तरीके से जो मॉनसून है उसने कहर बरपाया है। जगदलपुर में भी कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा समस्याएं हो रही हैं पहली बारिश में ही। जी बिल्कुल, बस्तर में इस बार मानसून काफ़ी देर तक रुलाया है। 15 जून के आसपास अमूमन बारिश बस्तर में पहुंच जाता था, लेकिन इस बार बारिश काफ़ी समय बाद आया है। चूंकि बस्तर संभाग में कल की जो बारिश हुई है काफ़ी अच्छी बारिश हुई और किसानों को काफ़ी इंतजार था अच्छी बारिश से, क्योंकि किसानों ने पूरी तैयारी कर ली थी और कल के बारिश के बाद किसानी अब खेती काम में जुट जाएंगे। लेकिन इस बारिश ने निगम की पोल जरूर खोल के रख दी है। निगम सरकार ने जो दावा किया था साफ सफाई को लेकर, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कि पूरी नाली की सफाई जा चुकी है, बारिश में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कल देर रात में जो बारिश हुई है उससे निगम की पोल जरूर खोल दी है। पूरे नाली का जो गंदा पानी सड़कों में आ गया, लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो कह सकते हैं कि निगम सरकार जो दावा करती है कि हम बारिश के पहले सभी नालियों को सफाई कर दिए हैं, लेकिन जो बारिश पहली बारिश में यह हाल दिखने लगा। अभी तो आगे बारिश और भी होगी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि निचली बस्तियों में पानी जाने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि बस्तर की बात करूं तो बस्तर के 15 गांव ऐसे हैं जहां बाढ़ की स्थिति बनती है। बकाउन उड़ीसा से लगा हुआ ये 15 गांव है जहां पर लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। क्योंकि इंद्रावती और वहां से जो नदी है वहां से संगम है वो वहां का पानी सीधा बस्तर में पहुंच जाता है, जिसके चलते हालात बिगड़ जाते हैं। लेकिन इस बार देखना होगा कि प्रशासन ने क्या तैयारी की है, क्योंकि गाँव काफी अंदरूनी इलाका है और ऐसे में जो बारिश है आने वाले दिनों में क्या अपना रूप दिखाती है ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, वाकई में इंतजार थोड़ा सा करना होगा कि निगम की तरफ से क्या व्यवस्था है। लेकिन सुशील, ग्वालियर की अगर बात करें तो ये क्या जून में पिछले साल इतनी तेज बारिश हुई थी क्या जो अभी दर्ज की जा रही है? देखिए, इस साल जून में भी बारिश अगर बात करें तो 80 मिलीमीटर के करीब बारिश हो चुकी है और बारिश का सिलसिला चल रहा है, क्योंकि मानसून ने दस्तक दी है और दस्तक देने के साथ ही 48 मिलीमीटर बारिश पिछले 24 घंटे के दौरान हुई है। अभी भी बादल छाए हुए हैं और निश्चित तौर पर जून में इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ बारिश होगी। जून में बारिश का अगर आंकड़ा देखें तो लगभग 85 मिलीमीटर के आसपास औसतन बारिश होती है हर साल जून में। पिछले साल जून में भी बरसात हुई थी, लेकिन जो जून में बारिश हुई थी पिछले साल वो इस बार से कम थी। इस बार मानसून जब आया है तो मानसून ने तेज़ी से दस्तक दी है और अभी जो दो तीन दिन का समय बचा है इन दो तीन दिनों में भी तेज़ बारिश होने की संभावना है। तो निश्चित तौर पर जो बारिश होगी तो लोगों की परेशानियां तो बढ़ेगी ही सही, क्योंकि अब नगर निगम के पास कोई इंतज़ाम या वक्त भी नहीं है कि वो इस दौरान जो है नालों की या फिर जो ड्रेनेज खराब सिस्टम है उस सिस्टम की सुधार कार्य करवा के लोगों को राहत दे सके। तो निश्चित तौर पर अभी जब बारिश होगी तो लोगों को जल जमाव और जो सड़कों की बदहाली है पानी को लेकर उनसे जूझना पड़ेगा। नालियों का पानी निचली बस्तियों में भरेगा, वो भरेगा ही सही। अब नगर निगम सिर्फ इतना ही करेगा कि जहां जल जमाव के हालात होंगे वहां पहुंचकर जो है जल की निकासी का काम करेगा, लेकिन स्थायी अगर पानी की निकासी शहर से व्यवस्थित होगी तो ही बारिश का जो जल जमाव का जो समस्या है उससे निजात मिल पाएगी। बिल्कुल श्रीनिवास, यहाँ पर जगदलपुर की अगर बात करें तो क्या ऐसी ही बारिश पिछले साल जून में दर्ज की गई थी? श्रीनिवास, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? श्रीनिवास से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, सुशील आपका भी, श्रीनिवास आपका भी। तो अभी बारिश जो है पहली बारिश ने ही असर दिखाना शुरू कर दिया है, व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश एक तरफ दिए जा रहे हैं, निगम की जो पोल है वो खुलती नजर आ रही है। अमूमन निगम ने आज तक कितने कार्य किए हैं ये पता चलता है बारिश के मौसम और इस तरह के मौसम में ही कि क्या व्यवस्थाएं हैं।